Panda. I got brides in Atlanta. In the licks in the band. Legacies. Well, hello guys, welcome back to Be Expert. You are watching your biology teacher standing over here. So student, हम लोगों ने एक न्यू सीरीज शुरू की थी उसके पहले चैप्टर के एंड की तरफ बढ़ चुके हैं, यानी कि आज होने वाला है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का लास्ट लेक्चर, जो कि होगा हमारा लेक्चर नंबर 5। अगर आप लोगों को मैं हर एक वीडियो में बोलती हूँ एनसीईआरटी सॉल्यूशंस के लिए भी एक डिटेल एक्सप्लेनेट वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। कोई भी डाउट होता है वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, ताकि मैं एक सेपरेट वीडियो बना के आप लोगों के सारे डाउट्स जो हैं वो एक साथ इकट्ठा एक पूरी वीडियो में एक्सप्लेन कर दूं। दूसरी बात ये है कि आप लोग जो है वीडियो को लाइक देख तो पूरी लेते हो, बट लाइक नहीं करते हो, कमेंट नहीं करते हो, चैनल को सब्सक्राइब तक नहीं कर रखा है। सो स्टूडेंट, थोड़े से एफर्ट्स आप लोग भी अपनी तरफ से हमें मोटिवेट करने के लिए लगाइए। वीडियो को लाइक करो, एंड तक जरूर देखो, कमेंट करो कि आपको सारी चीज समझ आई है या नहीं आई है। अगर कोई ऐसी चीज है जो समझ नहीं आई तो आप उसके बारे में भी लिखिए, क्योंकि जब तक आप अपने डाउट्स नहीं पूछोगे तब तक आप लोगों को कोई क्लैरिटी ही नहीं होगी कि हम लोगों को ये समझ आया है या नहीं। कोई भी एक चीज आप लोग ज्यादा लंबे टाइम तक तभी याद रख सकते हो जब आप लोगों को उस चीज से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम ना हो, हर एक चीज आपको याद हो, समझ आई हो। रटने वाली बात मैं यहाँ नहीं कर रही हूँ, समझने वाली बात है। लोग बोलते हैं बायोलॉजी जो है वो एक रट्टाफिकेशन वाला पोर्शन होता है साइंस का, ऐसा नहीं है। आप लोगों को चीजें समझनी आनी चाहिए, जब तक समझोगे नहीं तब तक सिर्फ और सिर्फ रट्टा लगाओगे और एक टाइम के बाद सब कुछ भूल जाओगे, और हो सकता है वो हो आपका एग्जाम का दिन। अगर एग्जाम में ही सब कुछ भूल गए जो भी रट्टा था तो क्या फायदा। एनसीईआरटी से आप लोगों को एक एक लाइन पढ़नी है, ये बात मैंने आपको पहले लेक्चर में बोली थी, बट सिर्फ पढ़नी नहीं है या फिर रटनी नहीं है, समझनी है उसे। मैं यहाँ पे पूरे एफर्ट्स डाल रही हूँ आप लोगों को एक एक चीज समझाने के लिए, तो थोड़ा सा एफर्ट्स आप लोग भी डालो, अपने अपने डेली के लेक्चर्स कंप्लीट करो। ये नहीं है मैं एक दिन में पूरा का चैप्टर पढ़ा रही हूँ तो आप लोगों से कवर नहीं होगा। वीडियोस ऑल्टरनेटिव डेज पर ही आती हैं, और हो सकता है कभी कभी 2-3 दिन का गैप भी हो जाए। क्यों? क्योंकि इतना फ्रीक्वेंटली जो है वीडियो बनाना पाना मेरे लिए काफी मुश्किल होता है, पर फिर भी मैं अपना टाइम निकाल के अपनी स्टडीज को सेपरेट रख के आप लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ, तो एटलीस्ट थोड़ा सा जो है आप लोग भी मोटिवेट कीजिए। हमें पता तभी तो चलेगा कि आप लोगों को कुछ समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है जब आप कमेंट करोगे। सो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड कमेंट डाउन बिलो ऑल योर प्रॉब्लम्स। अगर कोई डाउट नहीं है तो एटलीस्ट कमेंट डाउन बिलो कि आपको सारी चीजें समझ आ रही हैं। सो हम लोग बिना ज्यादा टाइम वेस्ट करते हुए एक कंसिस्टेंसी के साथ इस वीडियो को खत्म करेंगे, और इसी के साथ हमारा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, जिसे हम लोग बोल सकते हैं आपकी बायोलॉजी का जो बेस है वो क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आज है लास्ट लेक्चर और आज हम लोग पूरे चैप्टर को कवर कर लेंगे। सो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में 3 सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में डिस्कस किया था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गॉल्गी बॉडीज एंड लाइसोसोम्स। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड और वैक्यूल के बारे में। सो अगर हम लोग बात कर रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया की, तो मैंने आपको पहले दिन ही बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया होता है हमारा पावर हाउस। ठीक है, तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना। अब अगर हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो मैं आपको जो ये माइटोकॉन्ड्रिया वाला पूरा टॉपिक है ये आपको 3 बेसिस या फिर 3 चीजों में पढ़ाऊंगी। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे उसके स्ट्रक्चर की, फिर हम लोग बात करने वाले हैं उसके फंक्शन की, और एक तीसरी चीज जो हम डिस्कस करेंगे वो कि क्यों है ये दूसरे सेल से अलग, यानी कि कुछ स्पेशल टाइप की चीजें इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं वो चीज। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करते हैं स्ट्रक्चर की, तो मैं यहाँ पे आपके लिए बना रही हूँ जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है उसका एक स्ट्रक्चर। ये है हमारे माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है, दूसरी चीज ये है आपकी माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन। लेट मी ड्रॉ इट फॉर यू ऑल। सो
क्या समझ में आता है आप लोगों को कि क्या ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। सबसे पहली चीज याद रखना कि ये है टू लेयर मेम्ब्रेन है इसकी। उसके बाद जो दूसरी चीज आपको हमेशा याद रखनी है कि जो आउटर लेयर है इसकी, उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं पोर्स। अब आप लोगों को मैं बहुत बार बता चुकी हूँ ये पोर्स क्यों होते हैं। ये पोर्स होते हैं आप लोगों के, ताकि आप लोगों के अंदर सेल की कोई चीज आ जा सके और बाहर जा सके, इजीली फ्लो हो सके। नाउ स्टूडेंट, अगर मैं आप लोग को बोलूं कि दो मेम्ब्रेन थी, एक आउटर और दूसरी इनर, आप लोगों को दिख रहा है कि आउटर मेम्ब्रेन जो है एक स्मूथ मेम्ब्रेन है। अगर हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे इनर मेम्ब्रेन की, सो जो इनर मेम्ब्रेन है आपको दिख रहा है उसमें प्रेजेंट है फोल्ड्स। अब किसी फोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं तो वो फोल्ड्स होते हैं हमारे टू इंक्रीज द सरफेस एरिया। ओके, अब आप लोगों को समझ आ रहा है कि सरफेस एरिया क्यों इंक्रीज हो रहा है। अगर जो ये लेयर मैंने ग्रीन कलर से ड्रॉ की है, ये मेम्ब्रेन, अगर हमें इसे स्ट्रेच करके एकदम सीधा कर दूं तो ये कुछ इतनी लंबी होगी। पर अगर जो ये ब्लैक कलर वाली मेम्ब्रेन को मैं स्ट्रेच करती हूँ तो क्या वो ज्यादा लंबी होगी कंपेरेटिव टू आउटर कवरिंग? सो इसका एरिया ज्यादा है या इस आउटर मेम्ब्रेन का, ये फर्क होता है। ये जो फोल्डिंग्स प्रेजेंट होते हैं ये हमारी बॉडी के बहुत सारे पार्ट्स में प्रेजेंट होती हैं। तो आपको याद रखनी है कि जो इनर मेम्ब्रेन है वो हमारी फोल्डेड होती है। क्यों? क्योंकि उसे सरफेस एरिया इंक्रीज करना होता है। अब एक चीज जो है, ये हो गया हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर के बारे में। एक और चीज जो अब हम लोग डिस्कस करेंगे वो है हमारा फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। फंक्शन होता है हमारे माइटोकॉन्ड्रिया का एक लौटा फंक्शन है, और बहुत बारी में डिस्कस कर चुकी हूँ, वो है हमारा एनर्जी बनाना। ठीक है, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। अब एटीपी की फुल फॉर्म हो सकता है एग्जाम में पूछी जा सके, फॉर द सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो इसकी फुल फॉर्म है एडीनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ए फॉर एडीनोसाइन, टी फॉर ट्राइ एंड पी फॉर फॉस्फेट, ये है इसकी फुल फॉर्म। सो जो ये एनर्जी बन रही है हमारे सेल के अंदर, अब ये एनर्जी जो है ये काम करवाएगी, इट हेल्प्स इन फुलफिलिंग ऑल द नीड ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग एवरी सेल रिलेटेड प्रोसेस। अब ये सेल रिलेटेड प्रोसेस जो है ये क्या होते हैं, आप लोगों के दिमाग में एक डाउट होगा। तो ये जो सेल रिलेटेड प्रोसेस है ये हमारे सारी की सारी केमिकल रिएक्शंस जो हमारी बॉडी में होती हैं वो होती हैं। ठीक है, तो अब अगर हम लोग तीसरी चीज के बारे में बात करें तो वो होगा हमारे माइटोकॉन्ड्रिया का तीसरा फंक्शन जो होता है, जो आपकी एटीपी है, इसे हम लोग बोलते हैं करेंसी, करेंसी ऑफ योर सेल। यानी कि ये वो पैसे हैं जो आप लोगों को प्रोवाइड किए जाएंगे ताकि आप लोगों की सेल अपने हिसाब से अपनी सारी जरूरतों को पूरा कर सके। सो उसके बाद अगर हम लोग स्ट्रक्चर और एटीपी सिंथेसिस के अलावा अगर माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड कोई भी बात करते हैं तो वो आ जाता है उसमें प्रेजेंट एक स्पेशल कैरेक्टर कि जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है उसके पास डीएनए और राइबोसोम होता है। यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया वो एक सेल ऑर्गेनली है जिसके पास डीएनए और राइबोसोम्स दोनों प्रेजेंट होते हैं। क्या आप लोग मुझे बता सकते हो कि डीएनए और राइबोसोम का
सिग्निफिकेंस क्या होता है, क्या किस चीज में हेल्प करते हैं डीएनए और राइबोसोम, अगर नहीं पता है तो पीछे वाली वीडियो जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक करो और देखो। क्यों? क्योंकि मैंने बता रखा है कि डीएनए और राइबोसोम मिलके आपकी बॉडी में हर एक चीज बनाते हैं। सेल हो गए, सेल ऑर्गेनेल्स हो गए, सारी चीजें डीएनए डायरेक्शन देगा और राइबोसोम बनाता है। सो क्या पता चलता है खुद का डीएनए और राइबोसोम होने की वजह से ये लोग सेल्फ प्रोटीन बनाते हैं, यानी कि जो प्रोटीन इनको रिक्वायर है ये वो प्रोटीन बनाते हैं। उसके बाद अगर हम लोग बात कर लेते हैं सिर्फ सेल्फ प्रोटीन की, सो माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस और प्लास्टिड, ये तीन सेल ऑर्गेनिज और सेल ऑर्गेनेलीज ऐसी हैं जिनके पास खुद का डीएनए होता है। पूरा डीएनए नहीं होता, सिर्फ उतना डीएनए रिक्वायर्ड अमाउंट में प्रेजेंट होता है जितना एक सेल को रिक्वायर है या फिर एक माइटोकॉन्ड्रिया को उसके रिलेटेड प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है। सो दैट्स ऑल फॉर माइटोकॉन्ड्रिया। आपको स्ट्रक्चर में दो चीजें पता होनी चाहिए, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। आपको पता होना चाहिए कि ये एनर्जी बनाता है। आपको ये चीज भी पता होनी चाहिए कि न्यूक्लियस के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया वो एक सेल ऑर्गेनली है जिसके अंदर डीएनए और राइबोसोम दोनों प्रेजेंट होते हैं। नाउ हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट सेल ऑर्गेनली के बारे में। अब जो दूसरी सेल ऑर्गेनली हम लोग डिस्कस करेंगे वो है हमारा प्लास्टिड। जैसे हमने माइटोकॉन्ड्रिया को डील किया था तीन अलग अलग तरीकों से, वैसे ही हम जो है प्लास्टिड को डील करेंगे तीन नहीं बल्कि चार अलग अलग प्रोस्पेक्टिव पे। पहली चीज जो मैंने जस्ट माइटोकॉन्ड्रिया में आप लोगों को बताई थी कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है, सिमिलरली प्लास्टिड के पास भी खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है, जिसकी वजह से ये लोग बना सकते हैं खुद के प्रोटीन्स। एक और चीज प्लास्टिड के बारे में हमेशा याद रखना कि जो प्लास्टिड है वो सिर्फ और सिर्फ आपके प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, ओनली इन प्लांट्स। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करते हैं कि प्लास्टिड क्या होता है या उसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, तो प्लास्टिड के अंदर दो पिगमेंट्स या फिर दो मेन चीजें प्रेजेंट है। पहला है आपका क्लोरोप्लास्ट और दूसरा है आपका ल्यूकोप्लास्ट। इसके अलावा आपके प्लास्टिड में पिगमेंट भी प्रेजेंट होता है। मैं बताऊंगी कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट होता है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं क्लोरोप्लास्ट की। सो क्लोरोप्लास्ट जो है आपका एक ऐसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट है या फिर एक पिगमेंट बोल सकते हो आप, जो कि आपके प्लांट्स को कलर प्रोवाइड कराता है। इसके अलावा कलरफुल अपीयरेंस देता है जो प्लांट को। अगर हम लोग ल्यूकोप्लास्ट की बात करें तो ये व्हाइट इन कलर होता है, यानी कि ये जो पिगमेंट है ये व्हाइट कलर जो है प्रोवाइड कराएगा आपके प्लांट को। अगर हम लोग पिगमेंट्स की बात करें तो पिगमेंट्स बहुत सारे हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, बट आपको सिर्फ एक पिगमेंट याद रखना है कि वो है आपका क्लोरोफिल। सिर्फ यही याद रखना। और ये जो क्लोरोफिल है ये आपकी हेल्प करने वाला है फूड बनाने में। और फूड प्लांट कैसे बनाता है, छोटी क्लासों में आप लोगों ने पढ़ा होगा, विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। ओके स्टूडेंट, सो दिस इज व्हाट यू हैव टू कीप इन माइंड। अगर मैं आपको बताऊं कि प्लास्टिड के अंदर एक और चीज प्रेजेंट होती है, डिटेल नहीं जाएंगे। प्लास्टिड, अगर ये आपका प्लास्टिड, तो उसके अंदर एक छोटी सी स्ट्रक्चर, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे हम स्ट्रोमा बोलते हैं। उस स्ट्रोमा के अंदर ना कुछ ऐसी ऐसी चीजें प्रेजेंट होती हैं, लाइक जैसे कॉइंस प्रेजेंट होते ना, कुछ वैसा सा ही स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे हम लोग थैलाकॉइड बोलते हैं। और उसी थैलाकॉइड के अंदर ये जो पिगमेंट है क्लोरोफिल ये बनता है और फाइनली ये जाके फूड बनाते हैं। सो आपको क्या याद रखना है प्लास्टिड से रिलेटेड कि ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट में प्रेजेंट होगा। इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है जो आपके प्लांट्स को कलर प्रोवाइड कराता है।
जाता है, ग्रीन हो गया ये सब। ल्यूकोप्लास्ट एक ऐसा पिगमेंट है जो आपके प्लांट को ना व्हाइट कलर प्रोवाइड कराता है, व्हाइट कलर की सब्सटेंस बनाता है। उसके बाद पिगमेंट हो गया क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल आपको सिर्फ याद रखना है, इसके बहुत सारे टाइप होते हैं क्लोरोफिल के, वो आपको याद नहीं रखने हैं। ये फूड बनाता है वो फोटोसिंथेसिस की हेल्प से। उसके बाद एक चीज होती है स्ट्रोमा, एंड देन प्लास्टिड की तरह के पास माइटोकॉन्ड्रिया की ही तरह होता है खुद का डीएनए और राइबोसोम, जो कि मिलके हेल्प करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस में। सो दिस इज ऑल अबाउट प्लास्टिड। अब हम लोग लास्ट जो है ऑर्गेनली बची है उसको डिस्कस करेंगे, उसके बाद हो जाएगा हमारा चैप्टर फिनिश। हम लोग यूज करने वाले हैं या फिर हम लोग डिस्कस करेंगे हमारी लास्ट सेल ऑर्गेनेलीज जो है वैक्यूल। वैक्यूल आप लोग याद रखना मेजरली जो है वो प्रेजेंट होती है प्लांट में। ये जो प्लांट सेल है ना, सपोज ये आपका प्लांट सेल है, इसका जो एक बहुत ही ज्यादा हिस्सा कवर करते हैं, यानी कि 50-90% जो है ये सेल का यूज कर लेती है। अगर हम बात करें कि वैक्यूल प्रेजेंट एनिमल सेल में भी होता है कुछ सिचुएशंस में, बट ये बहुत ही ज्यादा स्मॉल होता है, वेरी वेरी स्मॉल। अब हम लोग बात करें कि ये जो वैक्यूल है इसका फंक्शन क्या होता है। स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो सपोज ये आपका सेल है, इसके अंदर कहीं प्रेजेंट होगा आपका वैक्यूल, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर कुछ नहीं है, ऐसा डिटेल आज तक नहीं आप लोगों को पढ़ाई जाएंगी, ठीक है। एज सच हायर क्लासेस में आप लोग पढ़ सकते हो। तो वैक्यूल से रिलेटेड दूसरी चीज आपको याद रखनी है ये कि जो ये स्ट्रक्चर ये बैग लाइक है ना, ये आपका हेल्प करेगा स्टोरेज में, ठीक है। तो ये स्टोरेज में हेल्प करेगा। अभी क्या स्टोर करने वाला है, ये स्टोर करेगा जितनी भी इम्पोर्टेंट चीजें जो एक प्लांट के लिए हेल्पफुल होती हैं, जैसे कि वो स्टोर करेगा अमीनो एसिड्स, जितने भी फैट्स होते हैं, वाटर, मेजरली वाटर स्टोर करता है। और ना क्या होता है कि बहुत सारे ना यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ हमारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की, तो उसमें भी ना वैक्यूल प्रेजेंट होता है। ये वैक्यूल क्यों होता है, जितना भी एक्सेस वाटर प्रेजेंट है उनकी बॉडी में उसको रिमूव करने के लिए, ओके। अब मेरे को एक बात बताओ, ये जो साइटोप्लाज्म इसका बचा हुआ साइटोप्लाज्म है, अगर ये जो वैक्यूल है ये बड़ा होगा तो क्या ये सेल को टर्जिडिटी और रिजिडिटी प्रोवाइड कराएगा, यानी कि इट इज गोइंग टू प्रोवाइड टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी, यानी कि वो सेल को एक क्या कहते हैं घना बनाएगा, डेंस बनाएगा, ताकि जो है जो सेल में वॉल है उसके पास पास रहे आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। एक और चीज, जो अमीबा होता है आपका, उसके अंदर वैक्यूल प्रेजेंट होता है, बट हम उसे फूड वैक्यूल बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारा फूड स्टोर करता है, ओके। सो बेसिकली वैक्यूल होता है आपके बॉडी की सेल की वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए 50-90% कंज्यूम करके रखता है, ये आपका स्टोरेज में हेल्प करता है। सो दिस इज ऑल अबाउट वैक्यूल। और इसी के साथ हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है हमारा द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। अब मैं आप लोगों के साथ एक चीज डिस्कस करने वाली हूँ, वो ये है कि अगर आप लोगों ने इस लेक्चर की कोई भी एक ऐसी चीज या कोई भी वीडियो स्किप कर दिए तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, आप उस वीडियो को जाके देखो। कोई भी चीज समझ नहीं आती है, चाहे आप इस वीडियो को 2-3 महीने बाद भी देख रहे हो, कमेंट करो, मैं आपके डाउट्स के सारे जितने भी सॉल्यूशंस है वो प्रोवाइड करूंगी, चाहे वर्बली वीडियो बना के प्रोवाइड करो या फिर आप लोगों को कोई पीडीएफ प्रोवाइड करो, कुछ भी प्रोवाइड करो, बट आप लोगों के डाउट्स जो है वो सॉल्व होंगे। इसके बाद आप लोग मुझे ये कमेंट करके बताइए आप किस चैप्टर की वीडियो चाहते हो इस लेक्चर के बाद, कि मैम इस चैप्टर की वीडियो बनाओ, ये डिफिकल्ट है, ये समझ नहीं आ रहा है। जिस चैप्टर को ज्यादा वोट्स मिलेंगे मैं उसकी वीडियो बनाऊंगी, और अगर आप लोग कमेंट सेक्शन में नहीं बताते हो तो मैं वो वीडियो बनाऊंगी जो मुझे सही लगता है, आप लोगों के लिए इस टाइम पे वो वीडियो सही है। सो आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, आपने पूरी वीडियो देखी है, समझी है। और एक लास्ट चीज मैं बोलना चाहूंगी, एनसीईआरटी को पढ़ने की आदत अभी से डाल लो, हायर क्लासेस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, जितने भी कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम आते हैं वो सब आपके एनसीईआरटी से आते हैं, इसीलिए हायर क्लासेस में सिर्फ और सिर्फ चाहे कोई भी स्कूल हो इंडिया का एनसीईआरटी ही पढ़ाई जाती है, चाहे आपका एचबीएससी बोर्ड हो या फिर सीबीएसई बोर्ड हो. ओके, नाउ आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड एंजॉय इट ऑल्सो, सो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक इट, कमेंट डाउन बिलो. एंड अगर अब तक आप लोगों ने बी एक्सपर्ट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाओ पहले, सबसे पहले जाके बी एक्सपर्ट को सब्सक्राइब करो और जो बेल नोटिफिकेशन आइकन है उसको प्रेस करो ताकि आपको स्टडी रिलेटेड और जॉब्स इंटरव्यूज रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन टाइम पे मिलती रहे. थैंक यू.